नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंडा उत्पादन के लिए देसी मुर्गी पालन इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हम जिस फार्म पर है, यह फार्म सरफराज भाई का है और यह फार्म महाराष्ट्र में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सरफराज भाई ने देसी मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए किया है और ये बड़े पैमाने पर किया है। देसी मुर्गी पालन हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है देसी मुर्गी पालन चिकन पर्पज़ के लिए करते हैं। बर्ड जब रेडी हो जाते हैं तो उन्हें सेल आउट कर देते हैं, लेकिन अगर इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और बड़े पैमाने पर देसी मुर्गी पालन करना है तो हम एग प्रोडक्शन या अंडा उत्पादन के लिए भी देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। और यही बात ध्यान में रखते हुए सरफराज भाई ने यह काम शुरू किया है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इन्होंने देसी मुर्गियों की जो अलग अलग ब्रीड है, जिसमें कावेरी ब्रीड है, उसके बाद सोनाली ब्रीड है, तो इन ब्रीड को लेकर देसी मुर्गी पालन जो है अंडा उत्पादन के लिए शुरू किया है। और तकरीबन 5 महीने एज की जब यह मुर्गियां हो जाती है तो इनका अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। और इनके फार्म पे अभी हम देखेंगे तो 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच को, और यहाँ पर अंडा उत्पादन जो है यह भी काफ़ी अच्छे पैमाने पर शुरू हुआ है। डीप लीटर सिस्टम पे इन्होंने यह जो बैच है रखा हुआ है, लेकिन हम सभी को पता है कि जब भी एग प्रोडक्शन पे मुर्गियाँ आती है तो उनके लिए हमें एग लेइंग के लिए जो है व्यवस्था करनी जरूरी रहती है। तो इसके लिए हम अलग अलग बॉक्स है, क्रेट है, तो इस टाइप के अगर अरेंजमेंट करते हैं तो लेयर मुर्गी जो है उसमें जाके अंडा देती है, तो यह भी बात हमें ध्यान में रखनी जरूरी। इसकी भी व्यवस्था इन्होंने अपने फार्म पर कर रखी है। और ये जो बैच है इन्होंने खास करके फर्टाइल एग के लिए रखा है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी हम फर्टाइल एग लेते हैं उसी के साथ जो अनफर्टाइल एग रहते हैं वो भी मिलते हैं। फर्टाइल एग जो है यह हैचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, हैचरी में रखकर इससे हम चूजे निकालते हैं, और उसी तरह जो अनफर्टाइल एग रहते हैं तो यह कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनके फार्म पर अभी दोनों टाइप्स के एग्स अवेलेबल है और इसका मार्केटिंग जो है यह भी इन्होंने शुरू किया है। इसका रेट जो है यह तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कस्टमर जो है एग परचेस कर रहा है, उस हिसाब से इसका एग का जो है रेट रहता है। और हमने देखा है कि देसी मुर्गियों के अंडे जो है इनको एक अच्छी डिमांड जो है साल भर मार्केट में रहती है, वह हैचिंग एग हो या अनफर्टाइल टेबल एग हो, कंजम्पशन के लिए जो एग लगते हो, तो दोनों एग्स के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छी मांग जो है हमने देखी है। और रेट भी देखा जाए तो साल भर इसका रेट जो है यह कांस्टेंट रहता है। तो जिन लोगों को देसी मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए करना है उन्होंने यह देखना जरूरी है कि उनके पास एक अच्छा फार्म होना जरूरी है, और उसी तरह हम जो कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छी तगड़ी इन्वेस्टमेंट भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोग तो चूजे लेके आते हैं लेकिन उसके बाद फीडिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग प्रोडक्शन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो यह मुर्गियां हमें कम से कम 1.5 साल तक रखनी होती है, और इनका फीडिंग का कॉस्ट हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास जितनी है तो उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने आज सरफराज भाई का ये फार्म देखा है, तो हम सरफराज भाई को बधाई देते हैं कि इन्होंने इतना बड़े पैमाने पे यह जो है एक प्रोडक्शन के लिए देसी मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, और काफ़ी लोगों को इससे मदद मिल रही है, और उन्हें रेडी हैचिंग एग हो या टेबल एग ये इनके फार्म से खरीदने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हम इनको बधाई देते हैं सरफराज भाई को। रुकते हैं।